हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक वीडियो में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में तीन बड़े अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहला जो अपडेट आ रहा है, आरबीआई की तरफ से ऑफलाइन ट्रांजेक्शन को लेकर आ रहा है, क्योंकि आरबीआई ने डिजिटल लेन देन को देखते हुए ऑफलाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर ज्यादा जोर दिया है। क्योंकि आज के टाइम में भी ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहां पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो इस केस में वहां पर ट्रांजेक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसी कारण से ऑफलाइन ट्रांजेक्शन जब करना होगा तो इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आप ऑफलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए मनी को ट्रांसफर कर पाओगे और अपनी जरूरतों को पूरा कर पाओगे। तो आरबीआई जो है ऑफलाइन ट्रांजेक्शन की टेस्टिंग जो है बहुत पहले से करता हुआ आ रहा है, लेकिन इसके बारे में अब न्यू अपडेट आ चुका है, यानी अब आप ऑफलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इस अपडेट के बारे में जानने के लिए आप जैसे ही गूगल करोगे आरबीआई न्यू अपडेट ऑफलाइन ट्रांजेक्शन, तो आपको बहुत सारे जो है आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप स्टोरीज में बहुत सारे आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे मिंट का ले लो, बिजनेस लाइन का ले लो, इंडिया टुडे का ले लो, इसी में आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस का भी आर्टिकल देख सकते हो। तो बहुत सारे आर्टिकल इसके बारे में आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इंडिया टुडे के आर्टिकल के ऊपर क्लिक कर चुका हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हो क्या मेंशन है, आरबीआई अलाउज ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट, ऑल यू नीड टू नो, अंडर द ऑफलाइन मोड पेमेंट्स कैन बी कैरिड आउट फेस टू फेस यूजिंग एनी चैनल और इंस्ट्रक्शन लाइक कार्ड्स, वॉलेट एंड मोबाइल डिवाइसेस। यानी आप अपने वॉलेट के थ्रू और इसी के साथ आपका जो मोबाइल डिवाइस है उसमें भी आप अपना कार्ड को सेव कर सकते हैं और उसके थ्रू भी एनएफसी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ऑफलाइन पेमेंट्स को बराबर दिया जा रहा है, जो कि आप यहां पर देख सकते हो क्लियरली मेंशन किया गया है, लेकिन इसमें कुछ लिमिट भी सेट की गई है। तो कितनी लिमिट है वो भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। आप मिनिमम जो है 200 रुपए तक का पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू ओवरऑल लिमिट जो है 2000 रुपए अभी इसकी रखी गई है, और आने वाले टाइम में इस लिमिट को इंक्रीज भी कर दिया जा सकता है। तो डिजिटल लेन देन के लिए आरबीआई ने एक और नया कदम बढ़ाया है। मुझे तो ये अपडेट काफी ज्यादा पसंद आया है। आपको इस अपडेट के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट जो है आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए है, क्योंकि आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड के जो चार्जेस है इंक्रीज कर दिए गए हैं। तो कितने चार्जेस इंक्रीज किए गए हैं, कौन कौन से चार्जेस इंक्रीज किए हैं, चलिए हम इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें पीडीएफ रिसीव हो चुका है, रिवाइज्ड फी स्ट्रक्चर ऑन आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड, जो कि है 10 फरवरी 2022 से लागू होंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि ये जो अपडेट है 10 फरवरी 2022 को ही लागू होगा। यहाँ पर हम अगर फीस की बात करें तो कैश एडवांस ट्रांजेक्शन फी जो है अब आपको 2.5% के हिसाब से एडवांस अमाउंट के ऊपर पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको सब्जेक्ट टू मिनिमम जो है 500 रुपए पे करना पड़ेगा। रिटर्न ऑफ चेक में 2% ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू के ऊपर देना पड़ेगा, जिसमें मिनिमम जो है 500 रुपए आपको देना ही पड़ेगा। ऑटो डेबिट रिटर्न फी में 2% ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू, मिनिमम आपको 500 रुपए पे करना ही पड़ेगा। इसी के साथ इसमें आपको लेट पेमेंट फीस भी पे करना पड़ेगा। यदि आपका 100 से कम अमाउंट है तो आपको कोई भी लेट पेमेंट फीस पे नहीं करना है, लेकिन आपका 100 से लेकर 500 के बीच में अगर आपका अमाउंट है तो इसके लिए आपको 100 रुपए का जो है लेट पेमेंट फीस पे करना पड़ेगा। यहीं पर आपकी अमाउंट वैल्यू 501 रुपए से लेकर 5000 के बीच में होती है तो आपको 500 रुपए का लेट पेमेंट फीस पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी अमाउंट वैल्यू जो है 5001 रुपए से लेकर 10000 के बीच में है तो 750 रुपए का आपको लेट पेमेंट फीस पे करना पड़ेगा। और आपकी अमाउंट वैल्यू 10001 से 25000 के बीच में है तो 900 रुपए का आपको लेट पेमेंट फीस पे करना पड़ेगा। और 25001 से 50000 के बीच में है तो 1000 रुपए का लेट पेमेंट फीस आपको पे करना पड़ेगा। और 50000 से ऊपर है तो आपको 1200 रुपए का लेट पेमेंट फीस पे करना पड़ेगा। इसी के साथ आपके अकाउंट से 50 रुपए प्लस जीएसटी का एडिशनल चार्जेस भी डेबिट किया जाएगा आपके बैंक अकाउंट से। सो आप भी आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड के यूजर हैं तो इन सभी चार्जेस के बारे में जरूर से ध्यान रखिएगा किसी भी ट्रांजेक्शन को करते टाइम में। इसी के साथ बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो नेक्स्ट अपडेट जो है एसबीआई यूजर्स के लिए है। तो आपके पास भी एसबीआई का अकाउंट है तो एसबीआई के थ्रू पहले आप 2 लाख रुपए तक आईएमपीएस ट्रांजेक्शन कर पाते थे, लेकिन अब आप 5 लाख रुपए तक आईएमपीएस ट्रांजेक्शन कर पाओगे। इसी के साथ इसमें कुछ चार्जेस भी ऐड किए गए हैं। तो कितने कितने चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको पता होगा कुछ बैंकें जो है आपसे आईएमपीएस के चार्जेस लेती है और कुछ बैंकें नहीं भी लेती है, तो एसबीआई जो है आपको कुछ ट्रांजेक्शन के ऊपर चार्जेस लेती है। कितने कितने चार्जेस लेगी ये मैं आपको बता देता हूं। और ये जो चार्जेस है 1 फरवरी 2022 से लागू होगा, आज से लागू नहीं होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप आईएमपीएस जो है 1000 रुपए का करते हो तो आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप 1000 से लेकर 10000 के बीच में करते हो तो 2 रुपए प्लस जीएसटी का आपको चार्ज देना पड़ेगा। यहीं पर आप 10000 और 1 लाख के बीच में अगर आईएमपीएस ट्रांजेक्शन करते हो तो इसके लिए आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी का चार्जेस पे करना पड़ेगा।
यहीं पर आप 1 लाख से 2 लाख के बीच में करते हो तो आपको 12 रुपए प्लस GST का चार्जेस पे करना पड़ेगा, और आप 2 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में ट्रांजेक्शन करते हो तो आपसे 20 रुपए प्लस GST का चार्जेस लिया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जितने भी ये चार्जेस बताए हैं ये पुराने वाले थे, नए वाले में आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप 2 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके लिए आपको 20 रुपए प्लस GST का चार्जेस देना पड़ेगा, बाकी और किसी में कोई भी चार्जेस नहीं है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। IMPS सर्विस चार्जेस रिवाइज्ड नो चार्जेस यहाँ पर मेंशन है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट अपडेट आए हुए थे जो कि मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आज का इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।